कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर के भी इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस दृष्टि फर्टिलाइजर में हम लोगों ने इन केंद्रों की स्थापना का कार्य संपन्न यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, और खासतौर पर मैं इस बारे में हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी आज के समय में अपराध के बदलते हुए नेचर को देखते हुए टेक्नोलॉजी हमारे कार्य को और भी सरल कर सकती है, अत्यंत सरल कर सकती है, और सरल किस रूप में कर सकती है। हम लोगों ने कुंभ के दौरान देखा था, आज तो बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर विकसित हो चुके हैं। अपराधियों के बारे में आप सब कुछ उसमें डाल दीजिए, और जब भी उस अपराधी की उस क्षेत्र विशेष में उपस्थिति होगी, वो सॉफ्टवेयर आपको तत्काल वहां से आपको वहां से पहले से अलर्ट कर देगा कि यह व्यक्ति आ गया है, और आने के बाद अब वह इससे पहले कि किसी घटना को अंजाम दे उसका काम तमाम करने की तैयारी कर दीजिए, सॉफ्टवेयर ही आपको बता देगा। और मुझे लगता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर हमें बढ़ना ही होगा, और मुझे लगता है तकनीक के आदान प्रदान करने से हम बड़े से बड़े चैलेंज को आसानी से आगे निपटा सकते हैं, अपराधी के मन में भय पैदा कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पर जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है, इन सब की क्षमता 219 करोड़ 84 लाख की है। आज गोरखपुर को 219 करोड़ 84 लाख की इन योजनाओं का यहां पर एक तोहफा दिया जा रहा है। आज नाग पूर्णिमा भी है, संत रविदास जी की जयंती का दिन भी है, और संत रविदास जी ने समाज के लिए जो उपयोगी उपदेश दिए थे वह सदैव इस समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी रहे हैं, प्रेरणादायी रहे हैं। और आज के इस अवसर पर नाग पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमारे एक दक्ष और स्मार्ट पुलिसिंग लोगों के मन में एक विश्वास पैदा कर सकता है, साथ साथ ये विश्वास निवेश को प्रोत्साहित करता है। आप सोचिए, यही प्रदेश है जहां से निवेशक भागते हैं, और आज इसी प्रदेश में 2.5 वर्ष के दौरान 2.5 लाख करोड़ का निवेश कराने में सक्षम है। डिफेंस एक्सपो का कल समापन हुआ, आज हमने पब्लिक के लिए वो क्षेत्र खोला था, और डिफेंस एक्सपो में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, और 50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का मतलब 5 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी देना। 5 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी हमने डिफेंस एक्सपो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए दिया है, और यह हम तब सक्षम है जब हमने प्रदेश की पुलिस को स्मार्ट बनाया है, उसको ट्रेन करके सुरक्षा के प्रति उसको अत्यंत संवेदनशील बनाया है। और पुलिस की इस कार्य पद्धति को आपने अभी हाल ही में फरुखाबाद में देखा होगा, 30 जनवरी को फरुखाबाद में एक सिरफरे ने 23 बच्चों को बंधक बना दिया। बंधक बनाने के बाद उसने बेसमेंट में उन सभी बच्चों को कैद कर दिया, और बेसमेंट में कैद करने के बाद वहां पर 2 सिलेंडर बम रख करके भारी मात्रा में बारूद बिछा करके पूरा उसने लक्षा गृह जैसी स्थिति पैदा कर दी। आपको याद होगा मैं 30 जनवरी को दोपहर में एक कार्यक्रम में गोरखपुर आया था, शाम को मैं लखनऊ वापस गया। जैसे मैं गया तो मैंने जानकारी ली, लेने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा, और रात्रि 1 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस ने सफलतम ऑपरेशन किया, जिसमें 23 बच्चों को सुरक्षित निकाला, और उस सिरफरे जो अपराधी था वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। ये सफल ऑपरेशन था जिसमें पुलिस के एक दो कर्मियों को थोड़े चोटें आई, लेकिन सभी बच्चे सुरक्षित रहे। ये तब संभव हो पाया है जब पुलिस के मन में एक विश्वास है, एक आत्मविश्वास है, जनता के प्रति एक सहानुभूति है, एक संवेदनशीलता है, और उस संवेदनशीलता को का ही परिणाम था कि फरुखाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस इतने बेहतर कार्य करने में सफल हुई। और मुझे लगता है ये डे टू डे की लाइफ में इस कार्य को सदैव करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। पुलिस जितनी ही ट्रेंड होगी, जितनी ही दक्ष होगी, जितनी सक्रिय होगी,
उतनी ही वो सुरक्षा का माहौल और विश्वास का माहौल देने में सफल होगी। मुझे विश्वास है गोरखपुर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को दशकों बाद जब उनका स्वयं का ट्रेनिंग स्कूल दुगुनी क्षमता के साथ भूमि में उपलब्ध प्राप्त हो रही है, अवश्य यहाँ से निकलने वाले जो हमारे रिक्रूट होंगे वे प्रदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्मान को गौरव को और आगे बढ़ाने में सफल होंगे। जो महिला पुलिस वाणी यहाँ पर आज जिसके लिए भूमि दी जा रही है और उनकी वाहनी का गठन का कार्य यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है, मुझे विश्वास है कि इनके द्वारा महिला सुरक्षा का एक बेहतर माहौल प्रदेश के अंदर बनाने में सफलता प्राप्त होगी। मैं आज एक बार पुनः उत्तर प्रदेश पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, इन्हें अपना ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर में मिला। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को बधाई देता हूं कि उनके लिए महिला पुलिस वाहिनी का एक पीएससी वाहिनी का गठन यहां पर आज होने जा रहा है। और साथ ही साथ गोरखपुर वासियों को मैं बधाई देता हूं कि गोरखपुर की वर्षों से अरसे से चली आ रही मांग आज प्रदेश सरकार यहां पर पूरी कर रही है और इस मांग को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको भी बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।